राजस्थान में मिशन 25 लेकर आगे बढ़ रही बीजेपी इस बार राज्य में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के सपने देख रही है, लेकिन बीजेपी की 25 सीट जीतने की राह इतनी आसान नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर चुनाव में प्रखर और मुखर रूप से बीजेपी के चुनाव प्रचार में आगे बढ़कर नेतृत्व करने वाली वसुंधरा राजे इस बार राजस्थान में चुनावी प्रचार से दूर नजर आ रही हैं। वसुंधरा इन दिनों सिर्फ अपने बेटे दुष्यंत सिंह के लिए झालावाड़ लोकसभा सीट पर ही प्रचार कर रही हैं। हालांकि बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वसुंधरा राजे को शामिल किया है, लेकिन फिर भी वसुंधरा झालावाड़ को छोड़कर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बीजेपी के समर्थन में प्रचार नहीं कर रही हैं। अभी तक राजस्थान में पीएम नरेंद्र मोदी 10 दिन में 5 बार दौरे कर चुके हैं, 5 चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं और दौसा में एक रोड शो भी निकाल चुके हैं, लेकिन इन सभी कार्यक्रमों में सबसे बड़ी बात ये रही कि उनके किसी भी प्रोग्राम में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे नजर नहीं आई। ऐसे में अब सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है कि आखिर वसुंधरा राजे इन दिनों बीजेपी से दूर क्यों हो रही हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि राजस्थान में जब से 2023 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछी, तभी से वसुंधरा राजे गायब सी हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने प्रदेश के किसी भी नेता को पार्टी का चेहरा नहीं बनाया। बहुमत मिलने के बाद पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को सीएम बना दिया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पास फिलहाल सरकार में कोई पद नहीं है, वे एक सामान्य विधायक हैं। इसी वजह से राजे काफी नाराज हैं। वहीं ऐसे में अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी आलाकमान को वसुंधरा राजे के प्रचार न करने के कारण कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी का वसुंधरा राजे को लेकर अगला मूव क्या होता है।